गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज मैं बहुत दिनों बाद लव मैसेजेस करने वाली हूँ। हम देखेंगे कि आपके लिए, आपकी रीडिंग में, आपकी एनर्जीज में, आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से क्या हैं, या आपकी रीडिंग में क्या वो पॉप अप हो रहे हैं। तो ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी। आप जब कभी भी लव मैसेजेस चेक करना चाहेंगे अपने पार्टनर के बिहाफ पर, या अपने लिए, या अपने रिलेशनशिप के लिए, तो ये आपके लिए रीडिंग डेफिनेटली होगी। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करें, और मैं बहुत सिंपल और बहुत क्विक रीडिंग करूँगी, बिकॉज लव मैसेजेस हम देखेंगे कि भाई कितने आते हैं। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कार्ड्स वर ऑलरेडी शफल, लेकिन मैं आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए दोबारा से कार्ड्स को शफल कर देती हूँ। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अपने पार्टनर का चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आइए, उनको पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, और आप जिस भी फेज़ में हैं, जिस भी स्टेज में हैं रिलेशनशिप की, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, लेस टू नो कांटेक्ट है, साथ में हैं, मिस कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इन एनी फेज आई थिंक आप जान सकते हैं अपनी सिचुएशन। तो अपने पार्टनर को सोचिए और लंबे लंबे गहरे सांस लीजिए। अच्छा अच्छा सोचिए। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट मैसेजेस डू वी गेट। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस क्या हैं। डे ड्रीमिंग एंड डिसीजंस नंबर 7। चूज योर बैटल्स। Dreams come true, win or lose, refusing to see, challenging times. Bottom of the deck, rebuild, which is a tarot card. इन ट्रेडिशनल टैरो इट्स अ टावर कार्ड। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास डे ड्रीमिंग आया था, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस। फिर हमारे पास चूज योर बैटल्स आया था, ड्रीम्स कम ट्रू, फिर विन और लूज, और फिर रिफ्यूजिंग टू सी। ये मैं यहाँ कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आए, और अभी कार्ड्स मैं आपके लिए सेट कर दूंगी। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से अगर मैं ये एक लव रीडिंग करने जा रही हूँ, और अगर मैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखूँ, तो आई फील कि आप लोग एक आपकी आपके रिलेशनशिप में एक शिफ्ट आया है, और वो शिफ्ट ऐसा है जो कि इस रिलेशनशिप में जितनी भी हॉलो, या जिसे कहना चाहिए खोखली फाउंडेशंस थी, या कोई ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर ये रिलेशन बिल्डअप था, वो सब चीज़ें वॉश आउट हो गई हैं। अभी रीसेंट पास्ट में ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा टावर मोमेंट ज़रूर आपके और आपके रिलेशनशिप में ऐसा आया है, आपके पार्टनर और आपके दरमियान, जिसमें आप लोगों ने बहुत ही तहम्मुल से, तसल्ली से, एक चैलेंजिंग फेज़ में होते हुए भी कुछ चीज़ों को बड़ी तरीके से आप लोगों ने क्लैरिफाई किया है, और आपने अपना
हार्ट जो है, अपना दिल जो है, वो बहुत अरसे बाद खोल के रखा है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में जो खोखली चीज़ें थीं, जो एक वेग फाउंडेशन जिनकी बेसिस पर जो रिलेशनशिप चल रहा था, वो ख़त्म हुआ है। एक बात, ये एक ओवरऑल जो है वो आपके रीडिंग का एक ओवरऑल आपकी एनर्जी है इस वक्त की, अगर मैं बात करूँ। अब अगर बिगनिंग से बात करूँ तो सबसे सिग्निफिकेंट बात जो आपकी रीडिंग में आई है, आपकी रीडिंग में ट्वाइस 77 आया है और ट्वाइस 55 आया है, विच मीन्स कि आप अपनी लक को लेकर बिल्कुल राइट पाथ पर हैं। किस्मत आपके साथ है और आप अपनी हायर सेल्फ पे इतनी ज़्यादा वर्किंग कर चुके हैं कि अब आप चीज़ों को जिस भी डायरेक्शन में मोल्ड करना चाहें, आपके साथ यूनिवर्स जो होती है वो मिल जाती है। 55 की अगर मैं बात करूं तो जिनकी रीडिंग में 555, 55, ट्वाइस, थ्राइस, फोर टाइम्स भी बाज़ दफ़ा आता है, क्योंकि हम मल्टीपल डेक्स यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कि आपने अपने आप को तैयार कर लिया है हर तरीके की शिफ्ट्स में आने के लिए। यानी इसको मैं इस तरह से समझाऊं कि फॉर एग्जांपल, आप अपनी लाइफ के टफेस्ट मोमेंट में होते हैं, टफेस्ट मोमेंट में, जिसमें आपको लग रहा होता है कि अब तो या तो आर है सिचुएशन या पार है। रिलेशनशिप में लगता है कि अब तो ये रहेगा और ये नहीं रहेगा। फाइनेंसेस में लगता है कि या तो अब बिल्कुल मैं बिल्कुल ज़ीरो पर हूँ, स्क्रैच पर हूँ, या मैं अबंडेंट हूँ। लेकिन आपने अपने आप को इतना कंट्रोल कर लिया है हर चीज़ के अंदर कि अब आप किसी भी शिफ्ट में जाने के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, और अचानक से नहीं होते। आप अपने आप को टाइम देते हैं, कॉन्टम्पलेट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, सिचुएशन को डीप 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 सोचते हैं, और फिर डिसीजंस को सही डिसीजंस लेने के अंदर आपके अंदर एबिलिटी होती है। ये एक आपकी दो सिग्निफिकेंट बातें थी। एक तो ये कि आपके अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट ऐसा ज़रूर आया है जिसमें आपने जितनी भी खोखली चीज़ें थी जिस पे आपका रिलेशनशिप बेस करता था, उनको आपने अभी ठीक किया है। दूसरी बात ये कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे बिल्कुल राइट ऑन ट्रैक हैं, आपकी हायर सेल्फ कनेक्ट हुई भी है ऊपर वाले से। दूसरा, आपकी पर्सनालिटी में जितने भी मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हैं। अब अगर मैं रीडिंग की बात करूं कि आपके रिलेशनशिप में आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं, आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज भी नज़र आ रहे हैं। अगर कंफ्यूज नहीं नज़र आ रहे तो उनको एक चीज़ ज़रूर पता चल गई है कि अगर उन्होंने आपको अपनी लाइफ में रखना है, ऑल्दो उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन मेकिंग का कार्ड समहाउ 7 of Cups का कार्ड होता है, विच शोज़ कि आपके पार्टनर की लाइफ में इतने सारे ऑप्शंस रहे हैं, लेकिन अभी उनको रिसेंटली इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि यू आर द ओनली वन जिसके लिए उनको अगर कभी भी लाइफ में कभी कोई कोई फाइट करनी पड़ी, डिफेंड करना पड़ा, लोगों से लड़ना पड़ा आपके लिए, तो वो उसमें ज़रूर इनिशिएट करेंगे। आपके लिए लव मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से यही है, चूज़ योर बैटल्स। दैट मींस के अगर आपके पार्टनर को इस बात का बहुत मेजर रियलाइजेशन हुआ है कि अगर उन्होंने आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर उनको ये फील हुआ कि उनको आपकी तरफ आपको सेलेक्ट करना है या आपको ऑप्ट करना है, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना है आपको लेकर, तो वो आपके लिए फ़ाइट करने को बिल्कुल तैयार हैं। क्यों? क्योंकि वो जब आपके बारे में सोचते हैं उनको खुशी होती है। वो दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, वो दुनिया के किसी मसले में चले जाएं, वो दुनिया के किसी भी हैप्पी मोमेंट में हों या अपने सैडेस्ट मोमेंट में हों, अपने हाईएस्ट मोमेंट में हों या अपने लोएस्ट मोमेंट में हों, अपनी हाईएस्ट एनर्जी में हों या अपनी लोएस्ट एनर्जी में हों, उनको आप ही का ख्याल आता है। और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है किसी ऐसे पर्सन का आपकी लाइफ में होना, जिसको जब आपकी ज़िंदगी में खुशी का मकाम हो तो आप सबसे पहले चाहें कि उसको आप बताएं, और जब आप सबसे ज़्यादा परेशान हो तो आपको लगे कि वो कहीं से वो पर्सन आ जाए। एंड दिस इज़ द फीलिंग विच योर पर्सन इज़ फीलिंग फॉर यू राइट नाउ। आप उनके लिए एक बहुत ही हीलिंग पर्सन हैं। आपके अलावा वो किसी के मुतालिक किसी से ये एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करते, तो ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। उसके अलावा देखा जाए
उनको इस बात की बिल्कुल क्लैरिटी है कि अगर उन्होंने कभी भी कोई बैटल आपके लिए लड़ी, आपके लिए की, तो या तो वो आपको अपने पास रखते हुए जीतेंगे या वो आपके लिए अपने ही आप से हार जाएंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, बिकॉज ऑल्दो इट्स अ सॉर्ड, ये एक तरीके से फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, नंबर फाइव देख लीजिए, विन और लूज, ये एक बैटल्स और अपनी लड़ने का कार्ड होता है, फाइट करने का कार्ड होता है, अपनी ही सोचों से लड़ने का कार्ड होता है। ऑल्दो ये लॉजिकल माइंड कार्ड होता है, लेकिन फिर भी आप देखें इसमें दिल बना हुआ है। अगर कभी भी आपका पर्सन आपके अगेंस्ट भी जाएगा तो वो आपसे हारना कबूल करेगा आपको जीतने के लिए, आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए। वो शायद अपनी अना को लेट डाउन कर लेगा क्योंकि उसको आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। एंड आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एनी रिलेशनशिप, व्हेन यू कीप एनी योर ईगो असाइड एंड आप सोचते हैं कि भाई इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ हो, वो फ्रेंड्स हो, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हो, वो एक्स हो, एनी यू नो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन रिलेट टू इन योर सिचुएशन। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। इफ़ वी टॉक अबाउट वट आई सी राइट नाउ, योर पर्सन इज उनका उनकी थर्ड आई आप देख सकते हैं कि ऑल्दो वो कुछ नहीं देख रहे लेकिन उनको सब कुछ पता है, और वो अपनी उनको ऐसी फीलिंग है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है इस कार्ड को देखकर कि चाहे आपके मुतालिक उनको कोई कुछ भी कहे, इवन उनका माइंड भी अब उनको कुछ कहता है ना, तो वो नहीं देखना चाहते, वो नहीं सुनना चाहते। मैं इस कार्ड के थ्रू ये भी देख सकती हूँ कि आपके पार्टनर ऑल्दो ये दो मेल कैरेक्टर्स हैं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट योर पार्टनर इज़, वैसे वो बाहर दिखाते हुए तो अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग हैं, वो एक वॉरियर टाइप हैं, और वो मतलब मस्कुलर भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा उनमें मैस्कुलिन, चाहे ये फीमेल्स ही क्यों ना देख रही हूँ, फीमेल्स में भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, लेकिन डीप डाउन इनसाइड ही और शी इज़ अ वेरी वेरी सॉफ्ट पर्सन। और वो क्यों? क्योंकि वो चाहे दुनिया उनको आपके लिए कुछ भी दिखा रही हो, कुछ भी बता रही हो, उनको आपके आपके लिए कुछ भी नेगेटिव नज़र आ रहा हो, दे डोंट वॉन्ट टू सी दैट, दे डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू हैव एनी थिंग ऑड इन यू। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। मुझे ऐसा ये भी फील हो रहा है कि थोड़ा सा इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं वो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि इस वक्त आपके पार्टनर ऑल्दो उन्होंने बहुत कुछ सीखा है अब तक, वो बहुत उनको विजडम उनके पास आई है, उन्होंने बहुत एक अरसा जो है वो गुजारा है, बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन मुझे वो लग रहे हैं, लेकिन शायद इस वक्त उनको ये भी लग रहा हो कि लाइफ अभी टफ है, चैलेंजिंग टाइम्स हैं। एक इमीडिएट बात मुझे ये आई है कि वो क्यों आपकी आपके लिए अपनी हर बैटल में तैयार और खड़े हुए हैं, बिकॉज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनके चैलेंजिंग टाइम में उनका बड़ा साथ दिया है, चाहे मॉरल सपोर्ट हो, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, यू वर देयर। एंड व्हाट आई एम फाइंडिंग, आपने देखा होगा कि यहाँ पर ज़्यादातर बैटल्स विन और लूज, चैलेंजिंग टाइम्स, ये भी नाइट ड्रेस में है, यहाँ पर भी बैटल्स की बात है। What I'm looking right now that your partner is completely ready for you to fight. यानी वो आपको हासिल करने के लिए अगर ऐसा होता है तो अगर उनको किसी से आपको जीतना पड़ा तो वो जीत लेंगे, छीनना पड़ा तो वो छीन लेंगे। बहुत all of a sudden there is a message popped up कि एक insecurity वाली जो बात है कि अब उनको ये feel होता है कि एक इतना अच्छा, एक इतना लॉयल पर्सन मेरी लाइफ में है तो उसको उसकी वैल्यू करनी चाहिए, वो वर्थी है कि उसको 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 मोहब्बत की जाए, उसको उसका ख्याल किया जाए और उसको अपनी ज़िंदगी में रखा जाए, और उसको रखने के लिए, अपनी ज़िंदगी में अपने पास रखने के लिए, अगर यू नो जैसे कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, ही और शी इज़ देयर टू टेक अ स्टैंड फॉर यू। चाहे किसी से भी लड़ना पड़ेगा, चाहे जीत होगी या हार होगी, वो गिव अप नहीं करेंगे। डिसीजन मेकिंग की बारी आएगी तो वो आपको ही चूज़ करेंगे, आपको चूज़ करने के लिए किसी से फ़ाइट करनी पड़ेगी तो वो फ़ाइट करेंगे।
क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप उनको कंप्लीट करते हैं। सिर्फ एक 9 नंबर यहाँ पर है, अगर ये 10 होता तो दैट मीन्स इट्स अ कंप्लीशन ऑफ एवरीथिंग। उनको सब चीज़ें पता हैं, उनको सब कुछ आपके मुतालिक पता है। इवन देन वो जो कुछ भी आप में ऑड हैं, आपकी कमियां हैं, वो आप में वो कमियां नहीं देखते, वो आपके अंदर अच्छाइयां देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको बहुत 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 सपोर्ट किया है एंड दे रियली प्रेज दैट। और इस कार्ड के थ्रू एक अगर मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करूं, जब कभी भी वो अपने लाइफ के डिफ़िकल्ट फेज में रहे हैं, the only thing which gave them a hope, a ray of hope, तो वो कहीं ना कहीं पीछे से आपके थ्रू थी। यू कैन सी के एक पीछे से एक सूरज की रोशनी यहाँ से जो है वो इनके शोल्डर और इनके हेड के थ्रू निकल रही है। तो ये आपके पार्टनर आपको इस तरह से देखते हैं। और ऐसा नहीं होता कि सपोर्ट जो होती है वो फाइनेंशियली होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी इस वक्त आप अपनी लाइफ के किसी फेज़ में इतना लो फील कर रहे होते हैं ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, एंड आप रियलाइज़ ही नहीं करते कि कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में होता था या होता है, और सिर्फ आप उससे फ़ोन पे बात करते थे, कॉल कर लेते थे, जैसे पहले वक्तों में तो फ़ोन ही होते थे। तो ये सेलफ़ोन वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, ये तो सब टेक्नोलॉजी अब आई है, लेकिन पहले कुछ भी नहीं होता था और बस गुजरते हुए ही लोग मैं एक कॉल करके पूछ लेते थे सब खैरियत है नहीं है, और फिर आपको एहसास होता था कि देयर वॉज समवन, कोई तो मौजूद था। तो ये कुछ ऐसी भी बात है, ये मुझे बहुत सडन सा एक ये मैसेज आया है कि ये ऐसी भी बात है। तो चैलेंजिंग टाइम्स में सिर्फ ज़रूरी नहीं होता कि लोग जो हैं वो फाइनेंशियल सपोर्ट करें तो ही सपोर्ट होती है। इंसान को अपनी लाइफ में उसके चैलेंजिंग टाइम डिफरेंट तरीके तौर के होते हैं। तो आई थिंक आपके पार्टनर ने ये बहुत सिग्निफिकेंटली रियलाइज़ किया है कि यू आर ऑलवेज देयर। तो वो तो बिल्कुल तैयार खड़े हैं आपको, यू नो, आपको हासिल करने के लिए। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रीडिंग। लेट्स सी कि आपके लिए ये विस्पर ऑफ लव डेक है, बड़ा खूबसूरत सा, इसमें बहुत विजडम से भरपूर, मतलब ये खाली लवी डवी मैसेजेस नहीं होते, ये सेल्फ लव बेस्ड कार्ड हैं और ये सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव से रिलेटेड होते हैं। हम देखते हैं कि आपके पास एंजल ऑफ हार्ट फील से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। What I conclude here, देखें दो इसमें तो टू नंबर्स बड़े सिग्निफिकेंट थे, नंबर 5 और नंबर 7, विच शोज़ के मैं आपकी जो व्यूअर्स हैं मैं उनकी अगर बात करूँ तो बहुत ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड लग रहे हैं मुझे लोग। और आई थिंक इस फेथ और बिलीफ की वजह से ही आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। लेट्स सी क्या आता है। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस्ड लव। ओके, आपके लिए यही मैसेज आ रहा है, नंबर 36 है ये। आप अपने दिल की सुने, यानी आपके पार्टनर के लिए भी मैसेज हो सकता है, और आई थिंक ये आपके पार्टनर के लिए ही मैसेज है कि आपके पार्टनर से ये कहा जा रहा है कि अगर वो आपकी तरफ इतना मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस। जब वो पहली एक फीलिंग होती है ना, जब आपको मोहब्बत हो जाने का एहसास होता है, तो वो टाइम जो है वो आपको एंजल मैसेज दे रहे हैं कि आप उस टाइम को, उस मोमेंट को याद करें जब आपको पहली दफ़ा ये एहसास हुआ था कि आह, जैसे फिल्मों में होता था कि अरे मुझे तो मोहब्बत हो गई। तो ये एक मैसेज आया, बिकॉज वो फीलिंग इतनी प्योर होती है, वो इतनी जेन्युइन होती है, बिकॉज आपको उस वक्त पता चलता है कि मुझे तो सच्ची मोहब्बत हो गई है। लव इज़ ऑल अराउंड यू, देर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रुथ। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। यू सी, एवरीथिंग विच इज़ अराउंड दिस फेरी, जो भी है, चाहे वो 3 फ्रेंड्स हों, वो कपल हों, वो चिल्ड्रन हों, वो एनिमल्स हों, दे आर इन अ फॉर्म ऑफ कपल। सो दैट मीन्स लव इज़ एवरीवेयर, यू जस्ट नीड टू सी। आपके अतराफ में मोहब्बत ही मोहब्बत है,
आप बस देखिए कि क्या ये हकीकत आप और आपके पार्टनर एक्सेप्ट करने को तैयार हैं. नो मैटर वॉट एज यू आर इन, नो मैटर वॉट फेज यू आर इन, नो मैटर वॉट स्टेट यू आर इन, बट इफ़ यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट लव यू विल रिसीव लव. दिस इज़ द बेस्ट मैसेज आई मस्ट से. बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर. वेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज पॉसिबल. दिस सच अ ब्यूटिफुल मैसेज राइट नाउ. यू जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव. नंबर 40. If you look at the stars, if you look at the sky, if you go to the mountains, you just need to live your life. इस वक्त आज में जिएं और मुस्तकबिल के लिए ख्वाब अच्छे देखें. पास्ट में जो कुछ भी हो गया, इट्स ओवर, इट्स नथिंग टू डू विद इट. एक्सेप्ट द लेसन्स विच यू हैव लर्न, सिर्फ वो अपने पास रखिए. इसके अलावा और वो भी लेसन्स वो रखिए कि गॉड फॉरबिड अगर आप ऐसी सिचुएशन में दोबारा कभी आते हैं तो आपके पास एक लेसन हो कि आप उसको रिपीट ना करें, बल्कि उस एक्सपीरियंस की बेसिस पर एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में आएं. और आज में जिए, जो आज है वही है, और आगे बढ़िए. ये एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी. सो दिस वॉज योर रीडिंग. वट आई सी, आज की रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है. ऑल्दो ये लव मैसेजेस पे बेस्ड थी, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है. और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही इस वक्त डिटर्मिंड हैं आपको हासिल करने के लिए, आपके लिए फ़ाइट करने के लिए. और हो सकता है कि आपके पार्टनर फ़ाइट कर रहे हों, वो अपनी फैमिली से या जिन जिन के थ्रू उनको चैलेंज फील होता है आपको अप्रोच करने के लिए, वो फ़ाइट कर भी रहे हों. हमारे सामने अगर चीज़ें नज़र नहीं आ रही तो हमको कतई ये सोचना नहीं चाहिए कि किसी के जहन में और किसी के दिमाग में, दिल और दिमाग की क्या जंग चल रही है आपको लेकर. वो ज़ाहरी तौर पर कॉन्क्रीट फॉर्म में अगर हमारे सामने नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपके लिए जंग नहीं लड़ रहा. यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर फुली रेडी हैं आपको हासिल करने के लिए, आपके लिए फ़ाइट करने के लिए, बिकॉज दे हैव ट्रूली ट्रूली रियलाइज्ड that you are the only one who can bring happiness and with whom they feel happy. Actually, love is all around. Turn your heart light, be in present. These are all positive messages. So this was your reading. I really claim for all those people, those who are in love relationship, all the best with your love life. Aur isi tarike se reading dekhte rahiyega. Reading pasand aayi ho to like ka button daba dein. और ये लव रीडिंग थी तो डेफिनेटली इसमें लव मैसेजेस ही होंगे रोमांटिक शोमेंटिक से. ऑलराइट, मैं आऊँगी एक और फ्रेश रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.